अस्सलाम वालेकुम असलकम व बरकातहू मैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो कि सिकस्थ सेमेस्टर में जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसका जो आज पहला उसका जो पहला यूनिट है मैं उसको आज पूरा डिस्कस करूंगा यहाँ पे उसका भी जो भी बेसिक से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू जो भी इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पे सब डिस्कस करूँगा तो लेकिन एक आप आप एक काम करना जो इसका पहला टॉपिक है ना अप्रोचेस आप एक काम करना उसको पढ़ना नहीं आपको बस अप्रोचेस याद रखने हैं वो देखो अप्रोचेस तो मतलब दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं एक है ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकंड में है मॉडर्न अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच में कौन कौन आते हैं और मॉडर्न अप्रोच में कौन कौन आते हैं आपको बस वही याद रखना है बाकी आपको डिटेल में उनको पढ़ना नहीं है आपको बस स्टार्ट करना है फ्यूचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो जो मैं आज स्टार्ट करूँगा यहाँ पर ठीक है फ्यूचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखो इंडिया का जो भी आइडिया है कि आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कब आया 1934 में आईडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आता है इंडिया में वो कौन देता है एम एन रॉय जिसका नाम होता है और जो पहली डिमांड होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो कहाँ दी जाती है अगस्त ऑफर जो 1940 में होता है ब्रिटिश उस टाइम क्या बोलता है प्रॉमिस करता है इंडिया से कि आप उस टाइम को पता है कि सेकंड वर्ल्ड वार होता हो रहा था 1939 से लेकर 1945 तक तो सेकंड वो, सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था तो ब्रिटिश इंडिया को बोलता है कि हम हमारे साइड वार में सपोर्ट करो हम आपको आफ्टर वार कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करेंगे तो ये था अगस्त ऑफर तो फिर क्रिप्स मिशन में क्या होता है कि जो डिमांड थी एक्सेप्ट की जाती है क्रिप्स मिशन में 1942 और जो फाइनली 1946 में कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन में क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फ्रेम किया जाता है एक शेप दी जाती है तो इंपॉर्टेंट है कैबिनेट मिशन याद रखना तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब अडाप्ट होती है ऑन ट्वेंटी सिक्स नवंबर नाइनटीन फोटी नाइन में हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन अडाप्ट होती है इंडिया में लेकिन उस टाइम में फुली एडाप्ट नहीं होती है कुछ कुछ आर्टिकल्स मतलब अडाप्ट की जाती है लेकिन जो हाँ, फुली कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब केम इंट एक्जिस्टेंस आती है मतलब कब असल में शेप में आती है वो डेट है ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना ट्वेंटी सिक्स नवंबर नाइनटीन फोटी नाइन में ऑनली कुछ आर्टिकल्स अडाप्ट हुए थे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अडाप्ट हुई थी लेकिन उस टाइम लेकिन जो फुली जो कॉन्स्टिट्यूशन अडाप्ट हुई वो कब हुआ ऑन ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी तो अब मैं फ्यूचर स्टार्ट करूंगा ठीक है देखो नंबर वन फ्यूचर क्या है कि लॉन्गेस्ट एंड लेंथेस्ट लेंथस्ट या लॉन्गेस्ट ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया में रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में फर्क क्या है देखो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन कहां है इंडिया में है अमेरिका में है लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहां पर है जैसे कि ब्रिटेन में ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो है अनरिटन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन देखो आप कोई भी बुक उठाओ आप पढ़ सकते हो घर में भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या लिखी है जैसे कि इंडिया इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन आप कोई भी बुक उठाओ आप पढ़ सकते हो लेकिन आ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है आपको एक आप वो घर घर बैठे नहीं पढ़ सकते आपको एक लाइब्रेरी में जाना पड़ता है जैसे कि आप अगर आपको ब्रिटिश की कॉन्स्टिट्यूशन पढ़नी आपको ब्रिटेन जाना पड़ेगा आपको वहाँ की लाइब्रेरी में फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन अंडरस्टैंड करोगे घर बैठे नहीं पढ़ सकते ये है रिटन आ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो आरिटनली कितने आर्टिकल्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्री नाइन्टी फाइव आर्टिकल्स थे एट शेडूल्स थे एंड ट्वेंटी टू पार्टस थे लेकिन टुडे कितने हैं आज तो फोर सिक्सटी फाइव आर्टिकल्स है ट्वेंटी फाइव पार्टस एंड ट्थ शेडूल है असल में थ्री नाइन्टी फाइव आर्टिकल आज भी है लेकिन जो भी जो भी मतलब आर्टिकल्स अमेंडमेंट जिस आर्टिकल के भी पीछे आप देखते हो कि मतलब ए लिखा है जैसे कि थर्टी फाइव ए एक मतलब वो थर्टी फाइव आर्टिकल अलग है और थर्टी फाइव अलग है मतलब इसी आर्टिकल में कोई कुछ नया ऐड किया जाता है कि इसी के हिसाब से मतलब फोर सिक्सटी फाइव आर्टिकल्स आते हैं असल में तो आज भी थ्री नाइन्टी फाइव ही है तो सेकंड जो है कि वो है सेकंड फ्यूचर पार्टली रिजिड एंड फ्लेक्सिबल इसका मतलब ये होता है कि प्रोसेस क्या है कुछ अमेंडमेंट करन, करना मतलब आप मतलब कौन सी प्रोसेस है अमेंडमेंट करने की कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब कोई भी चेंज करना हो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐड करना हो कुछ रिमूव करना हो या कोई भी अमेंडमेंट करना हो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसेस क्या है देखो कुछ ऐसे मतलब प्रोसेस है मतलब कुछ फ्यूचर्स ऐसे हैं कि हमको आप मतलब आसान से आसानी से मतलब पार्लियामेंट जो अमेंडमेंट करता है कॉन्स्ट्यूशन मतलब उसी के हाथ में पावर है पार्लियामेंट के हाथ में पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना मतलब पार्लियामेंट आसानी से कुछ फ्यूचर्स एमेंडमेंट कर सकते हैं लेकिन कहीं जगह ऐसे फ्यूचर्स है वहाँ पर पार्लियामेंट मतलब अलो नहीं कर सकता है सब कुछ उसको मतलब हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा का जब भी सपोर्ट होगा मतलब वहाँ पर जो टू बाई दर्ड ऑफ द मेजार्टी सपोर्ट करेंगे तभी पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकता है वरना नहीं कर सकता है तो इसलिए क्या है पार्टी रिजिड मतलब थोड़ा सख्त भी है मुश्किल भी है एंड फ्लेक्सिबल मतलब आसानी से भी हो सकता है इसलिए दोनों है तो थर्ड फीचर कौन है पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखो गवर्नमेंट टू टाइप्स के होती है एक होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम और सेकंड होता है प्रेजिडेंशल सिस्टम लेकिन इंडिया में कौन सी है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट में कौन कौन आता है एक होता है लोकसभा राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट होता है ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है याद रखना इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट गवर्नमेंट एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होता है मतलब इसकी एक रेस्पॉसिबिलिटी होती है और लेकिन इसका एक डिमेरिट है ये अनस्टेबल है मतलब आज जो बीजेपी की हुकूमत है जो ये कर जो इसको करना है कर ले जैसे कि उन्होंने आर्टिकल जे एंड के में हटाया वो थ्री सेवेंटी थर्टी फाइव ए लेकिन कल कांग्रेस आ सकती है वो इसको रेस्टोर कर सकता है मतलब ये स्टेबल नहीं ये अनस्टेबल गवर्नमेंट है मतलब आज ये इनकी हुकूमतें कल कोई और आएगा जो उसका कर जो करना है वो कर सकता है यह रहा पार्लियामेंट फार्म ऑफ गवर्नमेंट प्रेजिडेंट फार्म गवर्नमेंट वो मतलब रेस्पॉन्सबल गवर्नमेंट नहीं है ठीक है ये मैं मतलब मेन डिफरेंस है तो जो नेक्स्ट फीचर वो है फेडरल विध यूनिटरी बेसिस देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है एक तो एक मतलब असल में ये फेडरल गवर्नमेंट है लेकिन जब भी कोई इमरजेंसी होती है उस टाइम फेडरल नहीं होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम यूनिटरी बेसिस पे काम करता है फेडरल मतलब यहाँ पे पावर डिवाइड होता है सेंटर और स्टेट के बीच यूनिटेरी में कौन सा कौन सा ट्रंक होता है सेंटर मतलब सेंटर मतलब स्टेट को कुछ भी कर सकता है स्टेट के हाथ उस टाइम कोई भी पावर नहीं होती है तो मैं कहाँ पहुँचा था सॉरी <laughs> थोड़ा काम पड़ा था फेडरल विथ फेडरल विथ यूनिटरी बेसिस मैंने आपको डिस्कस किया था शायद कि हमारा जो कॉन्स वो फेडरल है लेकिन यूनिटरी बेसिस पर मतलब क्या होता है अब स्ट्रॉग से सेंटर होता है जब भी कोई एमरजेंसी होती है उस टाइम फेडरल गवर्नमेंट नहीं होता है हिंदुस्तान में ठीक है तो जो इसके बाद फ्यूचर आता है वो है इंडिपेंडेंट एंड इंटेग्रेटेड जुडिशरी हमारी जो जुडिशरी है ये एक इंटेग्रेटेड में होती है मतलब इसकी ये एक सीक्वेंस में होती है सबसे टॉपिक कौन आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट फिर कौन आता है हाई कोर्ट और फिर लास्ट में कौन आता है जो लोअर कोर्ट्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती है और जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट यही है गर्नटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी और जो हमारा गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो कौन है सुप्रीम कोर्ट भी मतलब प्रोटेक्ट कौन करता है हमारे राइट्स को वो है सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट किस हिसाब से है? मतलब इनके पास एक मतलब जैसे कि द सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशल कोर्ट है द पावर ऑफ जुडिशल रिव्यू मतलब इनके पास एक पावर होता है कि डिक्लेयर करते हैं एक्ट्स कि मतलब क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ठीक है मतलब जो भी पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट किया है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब से ठीक है या गलत है मतलब इनके पास रिव्यू ये मतलब इसको रेक्टेक्टेक्टेक्ट भी कर सकते एसेप्ट भी कर सकते हैं इनके पास ही पावर दी गई है तो फिर जो उसके बाद फ्यूचर आता है वो कौन है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो होता क्या है कि इसमें जो ट्वेंटी पहले जो कितनी एज थी मतलब वोटिंग के लिए वो ट्वेंटी थी लेकिन जब सिक्सटी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है नाइनटीन एट्टी वन में तो फिर एज जो है रिड्यूस की गई थी ट्वेंटी फ्राम ट्वेंटी वन टू एटीन अब जो आज वोटिंग एज है वो है एटीन एज ये याद रखना किस अमेंडमेंट के मतलब कारण दिया गया सिक्सटी वन तो फिर जो नेक्स्ट फ्यूचर है वो है सेकुलर स्टेट सेकुलर स्टेट क्या होता है मतलब जो हमारी कंट्री है इंडिया है वहाँ पर एक सिस्टम है सेकुलर सेकुलरिज्म है मतलब वहाँ पर कोई भी रिलीजन प्रोमिनेंट नहीं है सब रिलीजन इक्वल है मतलब ना कोई लोअर है ना कोई हायर है मतलब सब रिलिजनज इक्वल है मतलब यहाँ पर फ्रीडम है कोई जिसको चाहे मतलब मर्ज है अपना रिलीजन प्रॉपर्टी प्रॉपिगेट कर सकता है फैल मतलब एक्सेप्ट कर सकता है मतलब यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शनज नहीं है मतलब रिलीजन में मतलब वो रिलीजन सुपीरियर है ये इंफीरियर सब रिलीजनज इक्वल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है हालाँकि कभी कभी ऐसा ऐसा तो नहीं है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में है हमें बस ये याद रखना है तो फिर नेक्स्ट फ्यूचर क्या है वो है सिंगल सिटीजनशिप देखो इंडिया में ऑनली सिंगल सिटीजनशिप है पहले दो तो जे के में मतलब ऑनली वो स्टेट थी जहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप थी जे के को अपनी सिटीजन थी लेकिन अब वो भी नहीं रहा जब जब से थ्री सेवेंटी वन थ्री थर्टी फाइव ए अप्रोगेट किया गया तो सिंगल सिटीजनशिप मतलब क्या होता है कि आप खाली इंडिया के आप बस कंट्री के सिटीज़न हो आप मतलब उसकी स्टेट की मतलब जो भी कंट्री की स्टेट है आप आपको वहाँ की सिटीजनशिप नहीं मिल सकती है जैसे कि अमेरिका में है यूनाइटेड ऑफ अमेरिका में क्या है वहाँ डिवल सिटीजनशिप एक तो आप मतलब अमेरिका के सिटीजन हो ही लेकिन वहाँ पर जो बाकी फिफ्टी स्टेट्स हैं आप मतलब आप उनके भी स्टेट्स हो मतलब आप उन आपको उनकी भी सिटीजनशिप है मतलब इंडिया में ऐसा नहीं है मतलब आप बस इंडिया के सिटीजन हो ना आप दिल्ली के सिटीज़न हो ना जे एंड के सिटीजन हो ना यूपी के हो ना आप राजस्थान के हो आप बस कहाँ के सिटीज़न हो इंडिया के सिटीजन सिटीजन हो बस ये होता है सिंगल सिटीजनशिप तो और लास्ट में जो फ्यूचर है वह है एमरजेंसी मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थ्री टाइप्स होते हैं एमरजेंसी के एक होता है जो किसके अंडर आता है आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल आर वार एमरजेंसी मतलब जब भी कोई दूसरी कंट्री हमारे कंट्री को मतलब वार करता है या कोई एक्सटर्नल अफेयर होता है या कोई रेबिलेंस सिस्टम होता है वार के दौरान तो उस टाइम एक एमरजेंसी लागू की जाती है अंडर आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू और नेक्स्ट जो टाइप है एमरजेंसी का वो किसके आर्टिकल अंडर आती है आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स के अंडर आती है कॉन्स्टिट्यूशन फेलियर जब भी मतलब किसी स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है मतलब वर्क नहीं कर पाता है किसी के कारण मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोमेटिकली स्टाफ हो जाती है मतलब कोई किसी का पार्टी का जो पार है वो लॉस होता है जैसे कि मतलब जे एंड के में हुआ जब महबूबा थी उसको मतलब कॉन्स्टिट्यूशन फेल हुई तो फिर यहाँ पर प्रेजिडेंशल रूल लागू लागू किया गया अंडर आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स में आता है जब भी कॉन्स्टिट्यूशन फेल होता है तो लास्ट पार्ट जो है एमरजेंसी का वो है किस के आर्टिकल अंडर आता है आर्टिकल थ्री सिक्सटी जब भी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है किसी स्टेट को मतलब कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है स्टेट को मतलब वो अपने इकनॉमी अब ठीक से नहीं उसकी मतलब जो इकनॉमी वो ठीक नहीं मतलब डिप, है मतलब डिपेंडेंट है कहाँ कंट्री की इकोनॉमी से तो फिर वहाँ पर एक एमरजेंसी लागू किया जाता है अंडर आर्टिकल थ्री सिक्सटी जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल एमरजेंसी तो अब मैं आपको कुछ सोर्सेज है मतलब यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव्स आते हैं एक दो आएंगे तो आएंगे डेफिनेटली तो हमने मतलब यूके से क्या क्या लिया है देखो जो इंडिया में रूल ऑफ लॉ है कैबिनेट सिस्टम है पार्लियामेंटी गवर्नमेंट जो मैंने आपको फ्यूचर बताया बाई कैमरल गवर्नमेंट है लोकसभा है राज्यसभा है सिटीजनशिप है हमारी कंट्री में जो भी हम लॉ मेकिंग प्रोसीजर वो हमने सब कहाँ से लिया है ब्रिटेन से क्यों इतने सिस्टम लिया है क्योंकि वो तो ऑलरेडी यहाँ पे रोल कर रहे थे ना ब्रिटिश रूल इसीलिए जो ज़्यादा है वो किन का है ब्रिटेन का ही है लेकिन जो अमरीका का है वो जो अमरीका का सिस्टम हमने यहाँ पर लागू किया वो कौन से है मतलब रिटन इंडिया में भी है अमेरिका में भी है सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है प्रोसीजर है मतलब कौन सी रूल्स है वो मतलब हमने कहाँ से लिए अमेरिका से लिए है और जो फंडामेंटल राइट्स मेन है वो भी फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए है वो अमेरिका से लिए है और जो प्रेमबल है हमारा इसको मैं आगे डिस्कस करूँगा प्रेमबल में अच्छे से तो वो भी हमने कहाँ से लिए है अमरीका से और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती है पार्ट फोर ए में अंडर आर्टिकल फिफ्टी वन ए वो हमने कहाँ से लिए है रशिया से यू एस एस आर सोवियट यूनियन जिसको कहा भी जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज रशिया की है और जो जर्मनी का है मतलब जो हम फंडामेंटल राइट सस्पेंड करते हैं ज्यूरिंग एमरजेंसी ये हमने प्रोसीजर हमने कहाँ से लिया है जर्मनी से लिया है तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमने फ्यूचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पूरा डिस्कस किया है कौन से फ्यूचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और कुछ सोर्सेज हमने मतलब कौन कौन सा मतलब जो पार्ट है कहाँ से लिया है वो भी हमने डिस्कस किया है अब जो हम स्वीकनस अकॉर्डिंग टू स्वीकेंस चलते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलते हैं हम तो नेक्स्ट में आता है हमारा प्रेम बुल सॉरी अगर कुछ बाहर से कुछ साउंड्स आ रहे हैं पता नहीं कुछ पंगा है पड़ोसियों का तो हैंडल करना प्लीज़ अब जो जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रेम बुल देखो प्रेम बुल में आपको ऐसे समझा देता हूँ कि ये एक ऐसा हो एक प्रिफेस होता है देखो जब भी कोई मूवी आती है ना पहले क्या आता है उसका ट्रेलर आता है सबको पता है हमें मूवी कैसे पता चलती है जब हम उसका ट्रेलर देखते हैं हमें वहीं से पता चलता है कि मूवी अच्छी है या मतलब मूवी कैसी है हमें मतलब एक प्रिफेस एक मतलब पहचान मिलती है कि मूवी की कैसी है वैसा ही प्रेमबल भी है एक मतलब आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक मतलब ट्रेलर है ये एक प्रिफेस है इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का जब भी हम प्रेम बल पढ़ते हैं हमें उसी टाइम पता चलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है मतलब कैसा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है ये एक अकॉर्डिंग टू मतलब मैंने एग्जांपल दी मूवी ट्रेलर की मतलब प्रेमबल वैसा ही है देखो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा प्रेमबल मतलब होता क्या है जो भी मतलब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होता है ट्वेंटी थ्री दिसंबर नाइनटीन फोटी सिक्स में शायद हाँ थर्टीन दिसंबर नाइनटीन फोटी सिक्स में एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होता है किसके अंडर जवाहरलाल नेहरू के अंडर होता है उसमें मतलब ये कहा जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहे मतलब बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का होना चाहिए तो उसी के अंडर हमारा प्रेमबल आता है देखो प्रेमबल मैं आपको पढ़ के बताऊँ With the people of india have solemnly resolved रिजोल्व constitute india into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens देखो हमें पढ़ने से ही पता चलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि मतलब कैसा है कि मतलब इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये होता है मतलब प्रेमबल जस्टिस होना चाहे सोशल इकोनॉमिक सोशल जस्टिस होना चाहिए इकोनॉमिक पॉलिटिकल और लिबर्टी होना चाहे और इक्वलिटी होना चाहे फ्रेटर्निटी होना चाहिए ये होता है असल में प्रेमबल का मतलब बेसिक्स लेकिन पहले ऐसा कहा जाता था जो भी प्रेमबल मतलब ये किसके अंडर आता है ये मैंने आपको यहाँ पर फोर्टी टू अमेंडमेंट जो होता है नाइनटीन सेवनटी सिक्स में उसी के अंडर जो हमारा प्रेमबल आता है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है पहले एक केस होता है नाइनटीन सिक्सटी में जिसको हम कहते हैं बिरोबारी केस यूनियन उसमें ये कहा गया था कि जो प्रेमबल है ये मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है बिकॉज इसमें ये कहा जाता है कि मतलब ये हो या ना हो इससे मतलब हमारे कॉन्फ्यूशन कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये मतलब इंट्रोडक्शन है ये रखे भी या ना रखे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि बाकी तो कॉन्फ्यूशन लिखा है ये जरूरी नहीं है ये कहा गया था नाइनटीन सिक्सटी में जो बेरोबरी केस हुआ था लेकिन जो नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में केश वनंद भारती केस हुआ नाइनटीन सॉरी यहाँ पर मैंने मिस्टेक की है सॉरी सेवन 1973 है यहाँ पर सॉरी मैंने ये मिस्टेक किया अब ठीक करना खुद नाइनटीन में एक केस होता है केशवनंद भारती केस लेकिन उसमें ये एक सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया अर्टल अपील मतलब जहाँ पर ये कहा गया है कि प्रेमबल पार्ट नहीं है इस केस में कहा गया कि प्रेमबल है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन का, का पार्ट है मतलब इसमें ये भी कहा गया कि वी कैन आल्सो अमेंडमेंट ऑफ प्रेम्बल एज वी अमेंड आवर अदर फ्यूचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जैसे हम बाकी फ्यूचर्स अमेंडमेंट कर सकते हैं वैसे भी हम इसको भी अमेंडमेंट कर सकते हैं जैसे कि ये किसके अंडर आर्टिकल आता है कि किस के मतलब अंडर आता है आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट में ये कहा जाता है कि वी कैन अमेंड मतलब हम अमेंडमेंट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज नहीं होना है चाहिए मैं आपको एक्जाम्पल के समझाओ मतलब एग्जाम्पल पे वैसे ऐसे मतलब घर गर मकान ककान अच्छा मतलब है को तो अंदर अच्छा मतलब पाना रूम ऐसे को तो टेबल तो करें ऐसे मतलब क्या ऐड तो करें वाटर बनाओ किस पॉइंट बनाओ क्या करो शेष पान सब मगर शेव शेव इस निब्रिम शेप से सागर मतलब गरा चेंज कर सिं हम अंदर मतलब कोई कुछ भी ऐड सक ऐड भी मतलब हम कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं अंदर में हम हाँ वहाँ पर जो मर्जी वो लगाए लेकिन बाहर का स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए वैसे ही मतलब यहाँ पर भी कहा गया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं लेकिन बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर हम चेंज नहीं कर सकते ये किसके अंडर आर्टिकल है आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन मतलब के से डील करता है तो ये मतलब लेकिन आज तक जो हमारा प्रेमबल है ये आनली एक बार इसको अमेंडमेंट किया गया इन नाइनटीन सेवेंटी सिक्स वहा वहाँ पर इसको कहा गया था ये एक मिनी इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है वहाँ पर थ्री वर्ड्स ऐड किए गए थे प्रेमबल में एक है सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटेग्रिटी टू प्रेमबल यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं मैं आपको समझा दूंगा मतलब सोरेन मैंने आपको पहले ही मतलब सोरेन का मतलब ये होता है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज एट टॉप मतलब जो इंडिया है मतलब इसका मतलब कोई पंगा नहीं है मतलब ये खुद के डिसन खुद ले सकता है मतलब किसी पे डिपेंडमेंट नहीं है ये होता है सोरेन मतलब अपनी मनमानी करना मतलब जो मतलब सब कुछ पावर इंडिया के मतलब इंडिया के हाथ में मतलब व, व, कोई भी अमेंडमेंट करना हो वहाँ अमेरिका नहीं आएगा मतलब आप ये ठीक नहीं कर रहे आपको ये नहीं ये नहीं करना है जो इंडिया काश्चन अच्छा लगे वो कर सकते ये होता है सोरेन सोवेनिटी और होता है सोशलिस्ट मतलब सोशलिस्ट मतलब एक वेलफेयर स्टेट मतलब एस्टैब्लिश करना और जो सेक्टर आपको मैंने पहले ही बताया कि एवरी रिलीजन इज इक्वल ये मैं आपको क्यों डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रेमबल में एक टर्म्स है ये आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना और फिर आता है एक टर्म वो होता है डेमोक्रेटिक तो डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि वी चूज़ आवर रिप्रेजेंटेटिव आवर्स इनडायरेक्ट मतलब हम चूज़ करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को मतलब इनडारेक्टली uh, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हम जो भी हम हमें करना होता है कि हम इनडायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं मतलब ये खुद नहीं आते हमें हम, हम चूज़ चाहे भी लोकसभा का मेंबर हो राज्यसभा का हो हम क्या करते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं जो हमारी डेमोक्रेसी वो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है ठीक है ये याद रखना और जो लास्ट में वो है रिपब्लिक मतलब हम जो यहाँ का प्रेसिडेंट होता है हम उसको इनडायरेक्टली मतलब चूज़ करते हैं हेरिटेटी सिस्टम नहीं है मतलब जैसे कि ब्रिटेन में था कि ये मतलब राजा है अब उसका बेटा है अब यही राजा बनेगा नहीं ऐसा नहीं है रिपब्लिक में ऐसा नहीं है हम यहाँ पर मतलब मतलब चूज करते हैं अपने प्रेजिडेंट को इनडायरेक्टली ये याद रखना कि हम प्रेजिडेंट को चूज़ करते हैं इनडायरेक्टली क्योंकि नॉमिनल हेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब एग्जीक्यूटिव नहीं है ठीक है लिबर्टी सबको पता है कि लिबर्टी लिबर्टी ऑफ़ थाट होनी चाहिए फ्रीडम होनी इक्वल्टी होनी चाहिए और ये लिबर्टी इक्वलिटी फ्रटनिटी हमने कहाँ से लिया है फ्रेंच रिवोल्यूशन जो सेवनटीन एटी नाइन में हुआ था तो ये रहा था हमारा प्रेमबुल तो प्रेमबुल मैंने आपको अच्छे से डिस्कस किया है बस प्रेम इतना ही मतलब एक इंट्रोडक्शन है प्रीफे से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये पढ़ने से हमें पता चलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा का है इसमें याद रखना ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंडर आया हमारा प्रेमबल और किसके कब आया फोर्टी टू अमेंडमेंट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में जो हुआ तो उसी के थ्रू हमारा प्रेमबल है कॉन्स्टिट्यूशन में आया और अब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है पहले नहीं था लेकिन अब ये जैसा कि बाकी फ्यूचर्स अभी वैसा ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज तो प्रेमबुल भी हमने डिस्कस किया अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सिलेबस में वो है फंडामेंटल राइट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ से तो तीन चार एम आएंगे ही आएंगे अच्छे से समझाऊंगा इससे बाहर एम नहीं आएगा आई होप कि आप अच्छे से सुनोगे मेरा लेक्चर पूरा सुनना और उसके बाद क्या करना जो आपके पास बुक है वो पढ़ना है लेक्चर सुनने के बाद ठीक है तो फंडामेंटल राइट्स हमारे पार्ट में किस पार्ट में आते हैं पहले बेसिक जो भी होता है ना पहले बेसिक्स समझना इंपॉर्टेंट होता है फंडामेंटल राइट पार्ट थ्री में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल मतलब जो बारह से लेके कर थर्टी फाइव टूल्व टू थर्टी फाइव आर्टिकल डील करते हैं फ़ंडामेंटल राइट से और हमने ये कहाँ से लिया है फ़ंडामेंटल राइट फ्राम यू एस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमरीका तो कौन मतलब गोडिन कौन मतलब हेड है हमारे फ़ंडामेंटल राइट्स को कौन मतलब प्रोटेक्ट करता है हमें सुप्रीम कोर्ट करता है इन कोर्ट ये आपको मैं आगे बताऊंगा लेकिन क्या होता है इसको हम हाँ, फंडामेंटल राइट्स को हम हाँ, मैगना कार्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं और जो मोस्ट डिस्कसड पार्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो है मतलब फंडामेंटल राइट्स ये बी आर अम्बेडकर कहते हैं ये आपको पता है कि ये अमेरिका से लिया है वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है देखो राइट टू प्रॉपर्टी भी पहले एक फंडामेंटल राइट होता था कभी कभी कुबार होता था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी एक फ़ंडामेंटल राइट ठीक है राइट टू प्रॉपर्टी जो मतलब आर्टिकल थर्टी वन में था लेकिन इसको डिलीट किया गया रिमूव किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से जो भी जब जो अमेंडमेंट होता है फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट नाइनटीन सेवेंटी एट में जो अमेंडमेंट होता है उसमें इस राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया जाता है फिर ये अब आज किसके मतलब अंडर है अब ये फंडामेंटल राइट right नहीं अब ये लीगल राइट right है अंडर आर्टिकल थ्री हंड्रेड ए पार्ट ट में ये आज है पहले थर्टी वन में था लेकिन अब ये लीगल राइट है और आर्टिकल थ्री हंड्रेड ए में है पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको रिमूव क्यों किया गया क्या जरूरत थी देखो ये मतलब एक इशू था राइट टू प्रॉपर्टी मतलब गवर्नमेंट अगर वो कभी चाहे कि वो मतलब कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहती है किसी मतलब फील्ड में या उसको कोई रोड कंस्ट्रक्ट करना है कोई एयरपोर्ट कंस्ट्रक्ट करना है लेकिन उस टाइम तो लोग कहेंगे गवर्नमेंट को नहीं राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट right है मतलब हम कोर्ट में जा सकते हैं गवर्नमेंट को लगा नहीं अगर हम मतलब इसको फंडामेंटल राइट रखेंगे तो फिर डेवलपमेंट नहीं हो गई सोसाइटी में मतलब लोग तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि हमारे साथ जुल्म किया जाता है कि गवर्नमेंट मतलब बाई फोर्स जो हमारी ज़मीन है उसको अपने अंडर लेती है लेकिन हाँ वो तो मतलब उस टाइम जा भी सकते थे लोग क्योंकि फंडामेंटल राइट था राइट टू प्रॉपर्टी वो सुप्रीम कोर्ट आराम से जा सकती है अंडर आर्टिकल थर्टी टू में जो लिखा है कि आप मतलब अगर आपको लगता है कि वायलेशन होती है फंडामेंटल राइट आप डायरेक्ट तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो मतलब फार जस्टिस इंसाफ मांगने के लिए तो गवर्नमेंट ने फिर डिसाइड किया नए राइट टू प्रॉपर्टी मतलब ये ये मतलब अगर हम इसको फंडामेंटल राइट रखेंगे लेकिन ये तो फिर मतलब डेवलपमेंट हम नहीं कर पाएंगे हम कोई भी कंस्ट्रक्शन कोई भी करना हो जो भी गवर्नमेंट को डेवलपमेंट्स करनी होती है लोग नहीं करने देंगे तो इसलिए इसको हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव कर दिया गया ठीक है तो अब जो मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करूँगा वो है कौन कौन से राइट्स है हमारे मतलब कौन कौन फंडामेंटल राइट्स है देखो जो पहला है राइट टू इक्वलिटी ये किस किस आर्टिकल में ये बस आपको यही याद रखना आपको हर कोई आर्टिकल रटना नहीं है याद नहीं है करना हर कोई आर्टिकल बस एक दो बार पढ़ना आपको याद रहेंगे आर्टिकल राइट इक्वालिटी इक्वलिटी आर्टिकल फोर्टीन से लेके आर्टिकल एटीन तक आता है मतलब इसमें ये कहा जाता है कि सब इक्वल है मतलब आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप आर्टिकल फोटीन अलग से पढ़ेंगे फिट फिफ्टीन अलग से पढ़ेंगे आप बस ये याद रखना आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल फोर्टीन से लेकर आर्टिकल एटीन लेकर मैं आपको अगर इनको डिस्कस करूँगा एक एक आर्टिकल तो फिर तो मतलब बहुत लंबा लेक्चर बन जाएगा तो अपलोड भी नहीं हो पाएगा ठीक है तो राइट टू फ्रीडम आता है आर्टिकल नाइनटीन से लेकिन ट्वेंटी टू तक तो राइट अगेंस्ट एक एक्सप्लेटेशन जो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है आर्टिकल ट्वेंटी थ्री से लेकर आर्टिकल ट्वेंटी फोर तक मतलब जो भी फोर्स लेबर है हज़ारत मतलब जो भी मतलब बच्चा चौदह साल से नीचे मतलब काम है वो मतलब कोई भी जॉब नहीं कर सकता है प्राइवेट कंपनी के अंडर ना वो मतलब फो, को, कोई हजारस कंपनी में जॉब कर सकता है जहाँ पर डेंजरस हो तो फिर जो नेक्स्ट है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब हम कोई भी रिलीजन प्रोपोगेट कर सकते हैं मतलब सेकुलर स्टेट है और फिर आता है नेक्स्ट फंडामेंटल राइट वो है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स आर्टिकल ट्वेंटी नाइन से लेकर आर्टिकल थर्टी तक डील करते हैं मतलब किसी भी मतलब कोई किसी को भी मतलब जहाँ भी एडमिशन करना हो कि किसी इंस्टीट्यूशन में उसको वहाँ पर मतलब डिनाई नहीं कर सकता है कोई क्योंकि ऑन द बेस ऑफ सेक्स कल्चर क्रीड मतलब ये अब उस जात से इस जात से मतलब ऐसा नहीं चलेगा सब इक्वल है ठीक है तो फिर जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज अंडर आर्टिकल थ्री अंडर आर्टिकल थर्टी टू ये मतलब एक ऐसा आर्टिकल है मतलब इसको कहा जाता है हर्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल थर्टी टू क्योंकि ये हमें मतलब पावर देता है कि अगर आपको आर्टिकल जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनका मतलब गवर्नमेंट वायलेशन करता है आपको नहीं दे पा रहा है तो आप डायरेक्टली कहाँ जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो फॉर जस्टिस मतलब फिर सुप्रीम कोर्ट आपको प्रोटेक्ट करेगा ठीक है तो ये अंडर आर्टिकल थर्टी टू में कहा, कहा गया है और फिर गारंटर होता है सुप्रीम कोर्ट आपके कॉन्स्टिट्यूशन वही डिफेंड वही डिफेंडेड करता है एंड गारंटीड करता है आपके फ़ंडामेंटल राइट्स को कौन करता है सुप्रीम कोर्ट देखो जब इमरजेंसी हो लागू होती है हमारे इंडिया में तो फंडामेंटल राइट्स ऑटोमेटिकली सस्पेंड होते हैं मतलब ऑल तो जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे राइट टू इक्वलिटी फ्रीडम रिलीजन कल्चरल जो भी फंडामेंटल ये सब क्या सस्पेंड होते हैं जूरिंग एमरजेंसी वाहे टू आर्टिकल्स है जो मतलब सस्पेंड नहीं होते हैं एमरजेंसी में वो कौन कौन है ऑनली आर्टिकल ट्वेंटी एंड आर्टिकल ट्वेंटी वन ये आर्टिकल सस्पेंड कभी नहीं होते हैं चाहे कोई भी एमरजेंसी हो क्योंकि ये राइट टू पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है मतलब जो भी आपकी पर्सनल लाइफ से प्रोटेक्शन है ये उसे डील करते हैं इनको कभी भी मतलब सस्पेंड नहीं किया जाता है जो भी राइट इज गारंटेड किया जाता है मतलब राइट टू इनको सस्पेंड आनली तब किया जाता है जो भी मतलब जब एक्सटर्नल इमरजेंसी होती है जो मैं आपको पहले बोला आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू में जब भी कोई वार होता है तो इसी के अंडर मतलब हो इनको सस्पेंड किया जाता है वरना इनको भी जो बाकी दो इमरजेंसी है इनको नहीं किया जाता है बस एक्सटर्नल इमरजेंसी में आर्टिकल नाइनटीन को सस्पेंड किया जाता है लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल ट्वेंटी एंड आर्टिकल ट्वेंटी आर्टिकल ट्वेंटी आर्टिकल ट्वेंटी वन इनको मतलब सस्पेंड नहीं किया जाता है क्योंकि पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है तो बस आपको फंडामेंटल राइट्स का मतलब बेसिक मतलब क्लियर हुआ कि मतलब फंडामेंटल राइट्स मतलब ये इंडिविजुअल्स के राइट्स है ये मतलब सिटीजनस को दिए गए हैं लेकिन अगर आपको लगता है कि कभी वायलेशन होती है कि आपको उस टाइम पावर दिया गया है आप सुप्रीम कोर्ट जा हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इंसाफ मांगने के लिए तो ये आर्टिकल थर्टी टू में कहा गया है जिसको हम हॉट एंड हॉट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है ठीक है तो ये रहा फंडामेंटल राइट्स तो फिर नेक्स्ट जो हमारे सिलेबस में वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ठीक है देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस पार्ट में दिए गए हैं पहले मैंने आपको पता पार्ट थ्री में फंडामेंटल रा, राइट्स आते हैं जो कि हमने अमेरिका से लिए हैं लेकिन पार्ट फोर में आता है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दे मतलब ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं मतलब इट डायरेक्ट इज द स्टेट हाउ टू मेड पॉलिसीज सो इट इज़ डायरेक्टिव इसे इसलिए कहा गया मतलब ये एक डायरेक्शन देता है मतलब कंट्री को स्टेट को मतलब पॉलिसीज कैसे आप पॉलिसीज कैसे बनाओ ठीक है तो ये मतलब हमने कहाँ से लिया है इरिश कॉन्स्ट एयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया है जो भी मतलब इसके अंडर आर्टिकल्स आते हैं आर्टिकल ट्वेल्व टू आर्टिकल थर्टी तो फाइव में आते हैं फंडामेंटल राइट्स लेकिन आर्टिकल थर्टी सिक्स टू आर्टिकल फिफ्टी वन में आते हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ठीक है इनमें मतलब जो भी डायरेक्टिव ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये इंस्ट्रक्शनज है ये मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो नाइनटीन थर्टी फाइव में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का एम होता है उनका बस यही एम होता है कि इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी कहाँ पर आ जाए कंट्री में इनका मतलब है कि बस अब पॉलिटिकल मतलब जैसे कि फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल से डील करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिप स्टेट पॉलिसीज की मतलब कहाँ किससे डील करते हैं इकनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी होनी चाहिए कंट्री में इनका एक कंसेप्ट होता है कि मतलब वेलफेयर स्टेट होनी चाहिए मतलब हमारे कंट्री में ऐसा नहीं कि जूरिंग मतलब एरा जब मतलब ब्रिटिश रूल यहाँ पे था वहाँ पर पुलिस स्टेट थी मतलब अगर हम कोई आवाज़ उठाएंगे तो पुलिस हमें क्या करेगा मार देगा ब्रिचुल्स ब्रिचुअलिटी थी ज़्यादा तो फिर डायरेक्ट जेल में लेकिन ये इसलिए आया आया गया वेलफेयर स्टेट के मतलब अब हम थक गए हैं पुलिस स्टेट से मतलब अब एक वेलफेयर वेलफेयर टी आनी चाहिए एक कंट्री में और इनका भी एक लिमिटेशन ये है कि मतलब डिमिट है ये डायरेक्ट पुलिस स्टेट पॉलिसी है मतलब ये नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है जैसे कि फ़ंडामेंटल राइट जस्टिसबल है अगर हमें लगता है कि हमें हमसे मतलब फंडामेंटल राइट्स right हमको नहीं दिए जाते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं लेकिन फंडा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐसे नहीं है कि मतलब वी कैन नॉट गो टू द सुप्रीम कोर्ट अगर हमें लगे कि मतलब हमारे जो डायरेक्टिव में आते हैं ऐसे मतलब अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट वो हम नहीं दे रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट मतलब नहीं जा सकते हैं जैसे कि हम फंडामेंटल राइट्स right में जा सकते हैं जो भी मतलब फंडामेंटल इंटरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है इनको मतलब क्लासिफाई किया जाता है कि ऑन द बेस ऑफ कंटेंट मतलब सोशलिस्ट गांधी एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल जैसे कि सोशलिस्ट में आता है कि आर्टिकल आपको ये आर्टिकल याद नहीं रखने आपको बस कंसेप्ट याद क्योंकि अगर आर्टिकल याद करोगे तो फिर आपको बस आर्टिकल याद कर रहे हैं इनका मतलब एक होता है कि प्रमोट वेलफेयर स्टेट होनी चाहिए इनका मतलब यही वेलफेयर स्टेट होनी चाहिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स होना चाहिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क देखो आपका अगर आपको कहीं पर लगता है कि मतलब जहाँ पर मैन एंड वुमेन काम करते हैं लेकिन मैन को ज़्यादा पे मिलता है वुमेन को कम पे मिलता है क्या आप उस टाइम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो कि मतलब वो दो लोग काम करते हैं कि वहाँ पर एक को ज़्यादा एक को कम मिलता है नहीं जा सकते ना मतलब ऐसा ही डायरेक्टर स्टेट पॉलिसी है या मतलब कोई रिसोर्स इसको मतलब किसी स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर कर रहे हैं कि आप वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती मतलब हम से हम, हम जो हमारे स्टेट है वहाँ कम डिस्ट्रीब्यूट किया गया जो बाग जो दूसरी स्टेट है वहाँ पर ज़्यादा नहीं जा सकती है ना तो ये है डायरेक्ट प्रिंस स्टेट पॉलिसी ये बस मतलब स्टेट को कंट्री को मतलब डायरेक्ट करता है कि आपको मतलब कैसे पॉलिसीज़ बनाओ कि मतलब आप दिमाग में ये चीज़ें याद रखो मतलब अगर हम पॉलिसीज़ अडाप्ट करते हैं कि क्या ये चीज़ें हैं उसमें वेलफेयर है उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इक्वल पेपर इक्वल वर्क होगा उसमें तो गांधी भी यही है कि उसने बोला कि जैसे कि आर्टिकल फोटी में आता है हमारा उसने बोला था कि विलेज पंचायत होना चाहिए एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए सोशल का सोशल ट्राइबल में फिर लिबरल में आता है कि आर्टिकल जो फोर्टी फोर ये बस ये इंपॉर्टेंट याद है याद रखना एक तो है आर्टिकल फोर्टी विलेज पंचायत से और आर्टिकल फोर्टी फोर है सिक्योर सिटीजन ऑफ यूनिफार्म सिविल कोड देखो इनमें फ़र्क क्या है डायरेक्टिव प्रिंसि एंड फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल आर जस्ट टू इंडिविजुअल्स मतलब ये वाइडर नहीं है डायरेक्टिव प्रिंसपल स्टेट पॉलिसी फंडामेंटल राइट से वाइडर है क्योंकि इनमें इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी आता है वो बस इंडिविजुअल से रिलेटेड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक सोसाइटी से एक स्टेट से मतलब डील करते हैं तो ये है इनमें मेन डिफरेंस तो ये रहा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी अब आप, मैं आपको बस यहाँ पर मतलब बेसिक्स क्लियर करने आए हुए अगर इनमें अगर मैं आपको इनको एक एक को डिस्कस करूँगा तो फिर मतलब बहुत टाइम लगेगा मतलब पॉलिटी आपको पता है थोड़ी लेंग है उतना टाइम नहीं है आपके पास मैं बस आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मतलब बेस बेस जो है क्लियर करना चाहता हूँ ठीक है तो फिर नेक्स्ट जो हमारे सिलेबस में वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमने कहाँ से ली है रशिया से ली है फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने यू एस एस आर से मतलब डिराई हुआ है रशिया से फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो किस पार्ट में आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट फोर ए पार्ट फोर में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आता है और पार्ट फोर ए में फंडामेंटल ड्यूटीज़ आते हैं पहले तो बस टेन थे लेकिन अब जो आज है ग्यारह फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो मतलब एटी सिक्स से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ उसके हिसाब से मतलब एक और ऐड हुआ फ़ंडामेंटल ड्यूटीज़ में तो अब जो आज है ग्यारह फंडामेंटल ड्यूटीज़ है तो ये मतलब ऐड कब होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन नाइनटीन सेवेंटी सिक्स जो मतलब फोर्टी टू कॉन्मेंडमेंट होता है उसी के उसी से मतलब हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ऐड होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन तो ये एड थ्रू कमेटी होती है सवार सिंह कमेटी होती है 1976 में तो उसी के उसी के हिसाब से जो एड होती है फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आती है देखो इसका एक क्रिटिक मतलब एक क्रिटिसिज्म है मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज का क्योंकि देखो पार्ट थ्री फंडामेंटल राइट से डील करता है इनको क्या करना था पार्ट थ्री ए ही में इनको मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करना था लेकिन उन्होंने पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल पार्ट फोर ए और फिर पार्ट फोर ए में इसको ऐड किया गया फिर ये मतलब थोड़ा सा आर्ट टाइप हो गया इसलिए लोगों ने इसका बहुत क्रिटिसिज्म किया है मतलब इनको ऐसा नहीं करना था इनको पार्ट थ्री में इसको ऐड करना था क्योंकि लोगों ने तो ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था फिर उनको जल्दी से पता चलता कि हमारी ड्यूटीज़ भी क्या है रैट्स के साथ साथ तो फिर ड्यूटी भी कुछ दी गई है जो हमें करनी है जैसे कि मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐसे होते हैं कि टू अबायड द कॉन्स्टिट्यूशन रेस्पेक्टिस आइडियाल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करना है कि रेस्पेक्ट करना है नेशनल फ्लैग को नेशनल एंथम को फॉलो करना है नोबल आइडियाज़ को यूनिटी करना है प्रोटेक्ट करना है सोवरेनिटी को यूनिटी एंड इंटेग्रिटी करना है टू डिफेंड द कंट्री एंड जो हम जो हमें मतलब सर्विस दी गई है उसको मतलब करना है प्रमोट हारमोनी करना है हेरिटेज को प्रिजर्व करना है जो भी वाइल्ड लाइफ है प्रोटेक्ट करना है इनवराममेंट को करना है ये सब आते हैं किसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब टू टू डिफेंड दू चेरिज दू प्रिजर्व टू प्रोटेक्ट जो भी है ये सब क्या दिए गए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ सवार सिंह कमेटी सेवन नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में होती है तो सरदार एस सिंह के अंडर होती है सवार सिंह कमेटी वो एक रिकमेंडेशन करता है देखो इसको पहले ही क्यों ऐड नहीं किया गया मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन आया क्योंकि ये जो भी मतलब पॉलिटिक्स उन्होंने बोला कि अब हम थक गए थे ब्रिटिश के अंडर थे हमने बोला थे पहले जो हमारे सिटीजन है उनको पहले थोड़ा सा फ्री माइंड करना है उनको मतलब पहले बस राइट्स दो वो खुश हो जाएगा क्योंकि हम तो मतलब अब थक गए हैं ब्रिटिश के अंडर अंडर इसलिए मतलब उन्होंने फिर लेट किया गया लेकिन जब इमरजेंसी हुआ नाइनटीन जो भी मतलब नेशनल इमरजेंसी हुई थी पहले नाइनटीन फाइव से लेकिन नाइनटीन सेवन तक तो उस टाइम उन्होंने बोला कि अगर हम यहाँ पर कुछ ड्यूटीज़ नहीं देंगे मतलब अपने सिटीजन्स को वो बस अपने रेट्स को ही मतलब फॉलो करेंगे उनको बस उनको फिर ड्यूटी भी दी गई थी तो इसलिए फिर 1976 में सोरन सिंह कमेटी होती है तो उसी के अंडर हमारा जो है फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आता है तो फिर आपको पता है मैंने आपको बोला कि जो लास्ट में एक अमेंडमेंट होता है जो टू में पहले कितने थे टेन फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे लेकिन आज के टाइम में ग्यारह है जो मतलब जो अलेवन्थ एड हुआ है वो क्या है टू तो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू तो चाइल्डस बिटवीन एजेस सिक्स तो टू फोटीन ये मतलब एजुकेशन मतलब ये एक ड्यूटीज़ है मतलब पेरेंट्स को मतलब वो अपने चिल्ड्रन को एजुकेशन दे मतलब जो भी चौदह साल जो भी छः से लेके फोटीन ईयर्स तक है उनको मतलब एजुकेशन लेकिन ये भी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के हिसाब से है मतलब अगर हम मतलब ड्यूटी नहीं करेंगे मतलब हमें मतलब ये, ये मतलब नॉन जस्टेबल है मतलब हम जरूरी भी नहीं है हम हम फॉलो करेंगे लेकिन ये मतलब अगर हम करेंगे तो ठीक है लेकिन ये ज़रूरी नहीं है मतलब है ये क्योंकि ये राइट नहीं है कि ये ड्यूटी है मतलब हम करें या ना करें फिर जो गवर्नमेंट को करना है हमारे साथ करना लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है कोई भी कोई तो नहीं करता है लेकिन बेटर है कि जो भी सिटीजन है वो अगर ड्यूटी फॉलो करेगा तो ठीक है उसके लिए तो बस ये था सब कुछ जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का था मैंने आपको बस बेस क्लियर किया है लेकिन अगर मैं इनको एक एक डिस्कस करूँगा आपको पता है कि बहुत टाइम लगेगा तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया अगर आपको लगा कि कोई शॉर्ट है कुछ समझ नहीं आया तो फिर मैं इनको अलग अलग डिस्कस करूँगा एक एक टॉपिक को ठीक है तो थैंक यू अल्लाह हाफिज़